काफी सारे सेशंस को फ्री क्लासेस के थ्रू देख सकते हो जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ्री लाइव सेशन पर क्लिक करना होगा फिर यहां पर आपको इनवाइट कोड में एंटर इनवाइट कोड में शर्मा 10 डालिए एस एच ए आर एम ए वन जीरो डालिए और फिर आप किसी भी फ्री सेशन को देख पाएंगे बट अगर आपको लगता है कि अन अकेडमी से आपको पूरे आर एस की तैयारी करनी है कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आपको अन अकेडमी का प्लस कोर्स लेना होगा और इसमें आपको पूरा आर एस या आर पी एस सी के किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी आंसर राइटिंग सेशन भी यहां पर होते हैं आपका मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए टीचर वन टू वन आपको गाइड भी करेंगे नोट्स वगैरह आपको पीडीएफ में मिला करेंगे और प्रिलिम्स और मीन्स का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और अनलिमिटेड एक्सेस जो कि पूरे इंडिया में एकमात्र एकेडमी ही आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है यानी कि आर पी एस सी या फिर आर एस एम एस एस बी आर पी एस सी आर एस एम एस एस बी रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों का प्रिपरेशन एक ही सब्सक्रिप्शन में आप कर सकते हो और अभी वन ईयर और टू ईयर के कोर्सेज में अन अकेडमी आपको कुछ महीने फ्री दे रहा है जैसे कि एक साल के कोर्स पर आपको दो महीने फ्री मिलेंगे और दो साल के कोर्स पर आपको तीन महीने का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री दिया जा रहा है नए बैच आपके अभी 16 अगस्त को चालू हुए हैं तो किसी को भी अगर बैच को ज्वाइन करना हो तो आर के सक्षम और विजय बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो और किसी भी टाइप का कोई भी सब्सक्रिप्शन जब आप लें तब एक्स्ट्रा डिस्काउंट और प्रॉपर गाइडेंस के लिए रेफरल कोड लगाना ना भूलें और बच्चा रेफरल कोड क्या लगाओगे शर्मा टेनो रेफरल कोड को लगाइएगा वन ईयर का जो कोर्स है वो है सेवन थाउजेंड का इसमें शर्मा टेन रेफरल कोड अप्लाई करो तो छह हजार तीन सौ में आप कंप्लीट वन ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और दो साल का कोर्स आठ हजार चार सौ का जिसमें शर्मा टेन रेफरल कोड अप्लाई करोगे तो सात हजार सौ साठ में कंप्लीट वन ईयर का सब्सक्रिप्शन आप टू ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले पाओगे और इसमें सत्ताईस इस महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो इस तरीके से आप नए आर एस के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो और ध्यान रखिएगा शर्मा टैन रेफरल कोड आप कैपिटल लेटर्स में ही यूज करें वो भी बिना किसी स्पेस के तो लेट्स स्टार्ट गाइस या गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून तो देखिए वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे पर कल कुछ मैंने आपसे राजस्थान के प्रतीकों की बात की थी कि व्हाट इज द सिंबल्स एंड साइंस ऑफ राजस्थान तो उन पर एक थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं तो जैसे कि कल आपको बताया गया था कि राजस्थान का राज्य पश्च पुष्प कौन है रोहिड़ा तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा रोहिड़ा इज द रोहिडा इज द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान कब घोषित हुआ ये 1983 के अंदर रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया इसी तरीके से राजस्थान का जो राज्य पशु है वो दो हैं एक है चिंकारा और एक है ऊंट ठीक है तो दो प्रकार के हमारे यहां पर चिंकारा चिंकारा कैंटीन का नाम तो सुना ही होगा जो भी जयपुर में रहते हैं तो वैसे ही चिंकारा और ऊंट दो प्रकार के हमारे दो दो पशु हैं राजस्थान के राज्य पशु ऐसे ही राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावन जिसे 1981 में घोषित किया गया था इसे सोन चिरैया और ऐसे नामों से भी जाना जाता है आयुसीएन की लिस्ट के अंदर गोडावन क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त है तो ध्यान रखिएगा राजस्थान का राज्य पक्षी है गोड़ावन इसी तरीके से राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान खेत खेजड़ी ठीक है खेजड़ी हमारा क्ष जिसे शमी का वृक्ष भी कहा जाता है जिसका साइंटिफिक नेम है सिनेरेरिया। इसे 1983 में राज्य का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था ऐसे ही आपके राष्ट्र का वृक्ष क्या है पूरे भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री बरगद का पेड़ जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं इसी प्रकार से राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है कमल राष्ट्रीय पशु पशु कौन है बाघ ठीक है टाइगर यानी कि बाघ जो है वह राष्ट्रीय पशु है ऐसे ही राष्ट्रीय पक्षी तो आपको पता ही होगा मोर है जिसका साइंटिफिक नेम है पावो तो ये बात हो गई तो हमारा राज्य पुष्प है रोहिड़ा राज्य पशु दो हैं चिंकारा और ऊंट और हमारे पास राज्य पक्षी है गोडावन और राज्य वृक्ष है खेजड़ी तो यह कुछ बेसिक चीजें थी जो कि कल हमने आपको बताई थी उन्हें रिवाइज हो गया अब बात करते हैं राजस्थान की जैव विविधता पर बायोडायवर्सिटी यानी कि कितने प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं कल हमने आपको समझाया था कि जो राजस्थान की जलवायु है वो बहुत ज्यादा अलग अलग और विविधतापूर्ण है जैसे कि बताया था कि अरावली के पश्चिम में जीरो से लेकर पचास सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तो वहां पर शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है ऐसे ही अगर आप राजस्थान में अरावली के पूर्व में जाओगे तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां 150 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बरसात होती है खासकर 100 से 120 सेंटीमीटर की बरसात आपको हाडौती प्रदेश में देखने को मिलेगी वहीं पर जयपुर के आसपास आपको 50 से 80 या 90 सेंटीमीटर तक की वर्षा भी देखने को मिलती है तो इस तरीके से एक तो थार मरुस्थल है ऊपर से अरावली है तो बहुत ज्यादा जैव विविधता यहां पर आपके भौगोलिक विविधताएं अब भौगोलिक विविधताएं होती हैं तो वनों की भी विविधता है तो आपने कल देखा था कि शुष्क और मरुद्भिद पौधों से लेकर आद्र और उप पर्णपाती वन तक हमारे राजस्थान में आपको मिलेंगे इवन सिरोही के तो डेढ़ सौ मीटर सिरोही के डेढ़ सौ सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन भी आपको देखने को मिलते हैं तो जब वन्य परिस्थितियां वन इतने ज्यादा विविधतापूर्ण है तो डेफिनेटली वहां पर रहने वाले जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के होंगे इसीलिए राजस्थान ना सिर्फ राजस्थान जो है अपने क्षेत्र में बल्कि पूरे भारत देश में काफी विविधतापूर्ण है जैव विविधता क्योंकि तो यहां पर विषम जलवायु और सीमित वन क्षेत्र होने के बावजूद कई प्रजातियां वन्य जीवों की मिलती हैं इसीलिए लाखों पर्यटक यहां पर इन जीव जंतुओं को देखने के लिए आते हैं तो ध्यान रखिएगा हमारे पूरे भारत के अंदर हमारे पूरे भारत के अंदर काफी सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण हैं। उनमें से राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं? कई बार प्रिलिम्स में पूछा जाता है ध्यान रखिएगा प्रिलिम्स का क्वेश्चन यहां बनेगा तो राजस्थान में तीन राष्ट्रीय उद्यान है तीन नेशनल पार्क है छब्बीस वन्य जीव अभ्यारण है ग्यारह कंजर्वेशन रिजर्व है और तैतीस आखेड निषिद्ध क्षेत्र हैं वी हैव 3 नेशनल पार्क्स 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 11 कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 33 प्रोटेक्टेड एरियाज ठीक है तो ये सब आपको मिलता है खासकर एग्जाम में कई-कई बार पूछा गया कितने आखेड निषिद्ध क्षेत्र हैं तीन राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में तो हम अभी आगे बात कर ही लेंगे जिसमें से कई महत्वपूर्ण चीजें राष्ट्रीय उद्यान आपने जानते भी होंगे जैसे कि रणथंबोर है मुकुंद्रा हिल्स है है ना तो इनकी बात आगे करेंगे इसके अलावा बाघों की संख्या कम होती जा रही थी पर राजस्थान ने अपने अच्छे प्रकार के कंजर्वेशन और जैव संरक्षण के कार्य किए इसीलिए बाघों की संख्या अब बढ़ गई है और बाघों का प्रजनन भी राजस्थान में हुआ है खासकर जयपुर उदयपुर जोधपुर कोटा में बाघ के प्रजनन कार्य में सफलता मिल गई है इवन जोधपुर का जो जू है जोधपुर के जंतु आलय में गोडा वन का प्रजनन यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है उसका भी हमने सफलतापूर्वक प्रजनन कर लिया है इवन जोधपुर उदयपुर कोटा जयपुर में हमारे यहां आलय उपस्थित हैं जैसे कि जोधपुर में क्या है आपका मचिया बायोलॉजिकल पार्क है इसी तरीके से आपके कई महत्वपूर्ण जंतु आलयों में सज्जनगढ़ जैविक उद्यान अभेड़ा जैविक उद्यान नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी हैं तो यहां पर ये जंतु आलय है वो बहुत फेमस है खासकर जोधपुर उदयपुर कोटा और जयपुर के और खासकर यहां पर काफी सारे टूरिज्म भी आ जाते हैं वन्य जीवों के सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में सबसे पहले पूरे भारत में सबसे पहले किसने काम किया था मौर्य वंश ने तो ध्यान रखिएगा तीसरी शताब्दी पूर्व सबसे पहले सम्राट अशोक थे जिन्होंने सबसे पहले जैव संरक्षण के लिए काम किया था और एक चीज समझिएगा बच्चों कि जैव संरक्षण कितने प्रकार से किया जाता है तो जीव जंतुओं के संरक्षण पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं तो देखिए हमारे पास बायोलॉजिकल कंजर्वेशन जैव संरक्षण जो होता है वह दो प्रकार से हो सकता है जैव संरक्षण यानी कि बायोलॉजी का जो आपका कंजर्वेशन होता है यह जैव संरक्षण दो प्रकार से हो सकता है कौन कौन से प्रकार से पहला होता है स्व स्थाने स्व स्थाने या फिर इनसीटू कंजर्वेशन भी इसे कहते हैं इंसिटू दूसरा होता है इंसिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जहां जीव जंतु रह रहे हैं वहीं पर उनका संरक्षण करो यानी कि उनको एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह ले जाकर संरक्षण मत करो उसी जगह उनका संरक्षण करो तो उसे स्वयं कंजर्वेशन कहते हैं इसका उदाहरण क्या क्या है इसके उदाहरण हमारे हो जाते हैं नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान में जहां जीव जंतु मिलते हैं वहीं उनका संरक्षण चालू कर देते हैं वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी जहां जहां जीव जंतु मिलते हैं वहीं पर उनका संरक्षण करना हम चालू कर देते हैं ठीक है ऐसे ही आपके आते हैं कुछ आरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व इसी तरीके से एक आता है बायोस्फीयर है ना बायोस्फीयर तो ये सब क्या है आपके स्वयं जैव संरक्षण की पद्धतियां हैं इन सिटू कंजर्वेशन इसके अलावा दूसरी जो पद्धति है संरक्षण करने की जीव जंतुओं जीव की वो है पर स्थानी यानी कि एक्सिटू कंजर्वेशन एक्सिटू कंजर्वेशन में क्या होगा कि जीव जंतुओं के जहां वो जिंदा थे पैदा हुए थे वहां से उठाएंगे किसी दूसरी जगह ले जाएंगे और वहां ले जाके उनका संरक्षण करेंगे जैसे कि उदाहरण है हमारे बॉटेनिकल गार्डन्स जो बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं वहां पर हां बॉटेनिकल गार्डन जैसे कि राष्ट्रपति भवन के पास स्थापित है ऐसे ही जीव जंतुओं के लिए होता है जूलॉजिकल गार्डन ऐसे ही आप सभी के जो जंतु आल होते हैं जू जू में क्या करते हैं कहीं से शेर को पकड़ के लाए रखा और फिर संरक्षण कर रहे हो तो जंतु आल जू या फिर कोई जीन बैंक जहां पर विभिन्न प्रकार के जीनों को रखा जाता है और संरक्षित किया जाता है या कोई लैब वगैरह हो सकती है तो वहां पर होता है एक्स टू कंजर्वेशन तो जैव संरक्षण की दो विधियां हैं इनसे टू और एक्स टू तो इस पर नजर डालिएगा और इसे ध्यान रखिएगा तो ये हमारे जैव संरक्षण की कुछ विधियां हो जाती हैं चलिए क्या कह रहे हो बच्चों की संपदा और पॉपुलेशन टॉपिक नहीं करवाओगे क्या संपदा वाला बच्चों टॉपिक करेंगे बिल्कुल बिल्कुल संपदा वाला भी करेंगे और हाँ कंजर्वेश जनसंख्या वाला टॉपिक भी डेफिनेटली करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है जनसंख्या वाला भी करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे पर बच्चों क्या होता है कि जनसंख्या वाले टॉपिक पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बनते हैं उसमें थ्योरी कम है उसमें चीजें ऐसी है कि समझने का नहीं है बस इतना है कि प्रति व्यक्ति घन तो इतना है तो इतना ही होगा ये इतने नंबर पर है तो इतने नंबर पर ही है तो उसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे ऐसा करेंगे जनसंख्या पर आधारित पचास से सौ क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चनों के आधार पर पूरा जनसंख्या वाला टॉपिक कवर कर लेंगे ठीक है चलिए बच्चों बिल्कुल पटवार के लिए भी राजस्थान ज्योग्राफी आप लक्ष्य से या फिर हमारी क्लासेस से दोनों से कर सकते हो तो चलिए ये तो हो गया जैव संरक्षण अब बच्चों वन्य जीव और संरक्षण के लिए सबसे पहले किस आदमी ने संरक्षण की चीजें याद की वंश सम्राट अशोक उसके बाद में अभी हमारे पास सबसे पहला जो कानून बना था अभी के टाइम पर आधुनिक युग में वो बना वन्य पक्षी सुरक्षा अधिनियम 1887 अंग्रेजों ने बनाया था अठारह में वन्य पक्षी सुरक्षा अधिनियम पर जैसे ही 1976 में होता है बयालीसवा संविधान संशोधन उसके बाद में ये जो टॉपिक है वन्य जीव इस विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास तीन प्रकार की सूचियां होती हैं हमारे संविधान की अनुसूची हमारे संविधान की जो अनुसूची है शेड्यूल सात हमारे संविधान में कितनी बारह अनुसूचियां हैं बारह शेड्यूल हैं तो हमारे संविधान के शेड्यूल सेवन में तीन प्रकार की सूचियां होती हैं कौन कौन सी सूची होती है केंद्र सूची इसमें वो सारे विषय होंगे जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट से कहा जाता है इसमें वो सारे विषय होते हैं जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है दूसरी सूची होती है राज्य सूची इसमें वो सारी विषय लिए जाते हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है केंद्र सरकार नहीं बना सकती फिर तीसरी सूची आती है समवर्ती सूची समवर्ती सूची के अंदर वो सभी विषय आते हैं जिसके अंदर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बना सकती हैं इसे कहते हैं कनकरंट लिस्ट तो हमारा जो ये वन्य जीव का जो टॉपिक है पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था पर यहां पर यह जो शब्द है वन्य जीव इसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया और हमारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बयालीसवा संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के तहत इसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया यानी कि अब वन्य जीव पर कोई भी कानून बनाना होगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं पर अगर कोई भी कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बना रही हैं तो उसमें वरीयता उसमें प्रेफरेंस केंद्र सरकार को दी जाएगी और इसीलिए आप देखा कीजिए कि यहां पर हमने बना रखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार का वहीं पर अभी पिछले साल सांभर झील के अंदर काफी सारे पक्षी मर गए थे एक बो, आपके बॉटोन की बैक्टीरिया की वजह से और वो मरने के बाद में राजस्थान राज्य वन्य जीव वन्य जीव प्राधिकरण बना दिया गया वो राज्य सरकार ने बनाया था क्यों बना पाई क्योंकि संवर्ती सूची का विषय केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकते हैं तो ध्यान रखिएगा वन्य जीव जो है वह संवर्ती सूची का विषय है में पूछा जा सकता है कि वन्य जीव किस सूची का विषय है तो संवर्ती सूची का विषय है और कैसे बना ये बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से और स्वतंत्रता के बाद में हमने राजस्थान में एक महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया था जिसका नाम है राजस्थान वन्य पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम उन्नीस तो 23 अप्रैल 1951 को डेट याद रखिएगा 23 अप्रैल 1951 को हमने राजस्थान वन्य पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम बनाया था तो कब बना 23 अप्रैल 1951 को और इसके अंतर्गत हमने बहुत से आरक्षित क्षेत्र घोषित किए थे जिससे पक्षियों का संरक्षण हो सके जैसे कि अभी प्रदेश में कितने नौ इको टूरिज्म साइट हैं यानी कि ऐसी जगह जहां पर पर्यटक पारिस्थितिकी को देख सकते हैं तो नाइन इको टूरिज्म साइट है इसमें मीनाल उदयपुर मीनाल अभी आपके अभी अभी न्यूज में था मीनाल क्या है एक महत्वपूर्ण बर्ड वॉचिंग एरिया भी है तो यह है विश्व की इंपोर्टेंट बर्ड वॉचिंग एरिया के अंदर भी मेनाल को शा, शामिल कर लिया गया है और यह है विश्व की जो महत्वपूर्ण इंटरनेशनल बर्ड एसोसिएशन है उसने कहा है कि मेनाल में काफी अच्छे अच्छे पक्षी देखे जाते हैं तो इट इज ए इंपोर्टेंट बर्ड वॉचिंग एरिया उदयपुर में है ऐसे ही हमीरगढ़ बस्सी सिंधा माता पंचकुंड सुधा माता गुड़ा बिश्नोई मुकुंद्रा हिल्स भैसरोडगढ़ ये सभी इको टूरिज्म पार्क हैं जो कि पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं और देखिए बच्चों यहां पर 7 नवंबर 1955 को पहली बार राज्य के पहली बार राज्य के पांच रियासती शिकार गाहों को वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया था क्योंकि राजा महाराजा क्या करते थे उनको शौक हुआ करता था शिकार करने का तो वो शिकारगाह बनाकर रखते थे जहां पर जीव जंतुओं को पालेंगे और फिर खुद ही मार देंगे तो ऐसे शिकार शिकारती शिकारगाहो को पहली बार 1955 में आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया फिर भारत सरकार लेकर आती है 9 सितंबर उन्नीस को वन्य जीव संरक्षा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो याद रखिएगा प्रलिम्स के लिए कि वन्य जीव संरक्षण सुरक्षा अधिनियम कब आया उन्नीस में और राजस्थान में कब लागू हुआ यह एक सितंबर उन्नीस को डेट याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ राजस्थान में एक सितंबर उन्नीस को यह डेट एग्जाम में पूछी जा सकती है एक सितंबर उन्नीस को लागू होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इस अधिनियम के द्वारा राज्य में कोई भी शिकार नहीं कर सकता है पूर्णतः शिकार पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया इसीलिए जब सलमान खान ने काले हिरण को मारा था तो माना कि वो बच गए पर उनकी भी हालत खराब हो गई थी कुछ निर्दोष लोग फंस गए पर वट जो भी है पर डेफिनेटली काफी नु, नुकसान और काफी सारी समस्याएं तो जरूर झेलनी पड़ी सलमान खान को भी क्योंकि उन्होंने कालिश हिरण को शिकार किया था नहीं किया था क्या था वो कोर्ट ने अपना अपना फैसला दे दिया है तो ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से शिकार पर प्रतिबंध लगा कब इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू करने के बाद यानी कि 1 सितंबर 1973 को और एक डेट और याद रखना हमारे राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट कब लागू हुआ डेट याद रखेंगे एक अप्रैल उन्नीस को पूरे देश के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर चालू हो गया और राजस्थान में भी तीन बाघ परियोजनाएं चालू हुई कहां कहां पर चालू हुई वैसे तो पूरे देश के अंदर टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं उनमें से तीन टाइगर रिजर्व रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स यहां पर आपको तीन बाघ परियोजनाएं मिलेंगे बच्चों अगर हकीकत में किसी को भी शेर देखने का बाघ देखने का हां एक चीज और ध्यान रखिएगा बाया बाघ और शेर अलग अलग होते हैं इन्हें मिक्स मत कर देना लॉयन बिल्कुल अलग प्रजाति है बाघ यानी टाइगर बिल्कुल अलग प्रजाति है और तेंदुआ बिल्कुल अलग प्रजाति है यानी कि लियोपर्ड तो यहां पर हमारे तीन बाघ परियोजनाएं हैं टाइगरों के लिए रणथंबोर सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स पर अगर आपको देखना है तो सिर्फ रणथंबोर में जाना तो चांसेस है दिख जाएंगे अदरवाइज सरिस्का फरिसका में कुछ नहीं दिखते बड़ी गलती से किसी को किसी की किस्मत बहुत ही अच्छी है तो कुछ देख ले तो देख ले वरना मैक्सिमम आपको नहीं दिखेगा तो इसीलिए केवल रणथंबोर में ही जाना अगर बाघ देखने हैं तो मुकुंद्रा हिल्स और सरिस का मत जाना पर यहां पर तीन जगह हम बाघों को संरक्षित कर रहे हैं बाघ यहां पर हैं तो देखिए रणथंबौर बाघ परियोजना को 1973 के अंदर ही चालू कर दिया गया था फिर सरिस्का बाग परियोजना 1978 और 79 में चालू हुई और फिर उसके बाद में अभी अभी 9 अप्रैल 2013 को मुकुंद्रा हिल्स को भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है ठीक है तो यहां पर ध्यान रखिएगा तो 2013 के अंदर टाइगर रिजर्व से भी घोषित कर दिया गया है एक चीज और ध्यान रखेंगे कि रणथंबोर परियोजना जो है वह सॉरी नॉट रणथंबोर यह गलत प्रिंट हो गया है हमारा जो सरिस्का है सरिस्का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना है सरिस्का अलवर क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना है और हमारे देश के अंदर सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो एक अंग्रेज अधिकारी था जिम कॉर्बेट उसी के नाम पर इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया गया है 1973 के अंदर से नेशनल पार्क की सारी प्रथाएं चालू हो गई और अभी भारत में 105 से भी ज्यादा राष्ट्रीय पार्क बन चुके हैं पांच से भी ज्यादा वन्य जीव हैं है लगभग सिक्सटी संरक्षण रिजर्व है छब्बीस सामुदायिक रिजर्व और अठारह बायोस्फेयर रिजर्व हैं। है ना बाकी ये डेट ये जो डेटा है ना चेंज होता रहता है तो एग्जैक्ट याद मत रखना क्योंकि कभी कभार राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं वो तो, सॉरी वन्य जीव अभ्यारण जो होते हैं वो राष्ट्रीय पार्क में कन्वर्ट हो जाते हैं चीजें मतलब बदलती रहती हैं पर जनरली इतना नहीं बदलता पर एक दो साल में चीजें चेंज हो जाती हैं तो सबसे पहले देश का सबसे पहला जू कहां था मद्रास में अठारह के अंदर देश का सबसे पहला जंतु खोला गया मद्रास में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान अंग्रेजों के टाइम पर 1935 में खोला गया हेली नेशनल पार्क था जिसे बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया और यह कहां पर है उत्तराखंड में स्थित है इतना तो सभी को पता होना ही चाहिए तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं हमारे राजस्थान के जीव जंतुओं को लेकर बिल्कुल बिल्कुल सही अभी करंट में न्यूज भी है रामगढ़ विषधारी जो है उसे भी नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है परंतु उस पर अभी थोड़े से विवाद चल रहे हैं बच्चों हमने घोषित तो कर दिया है उसे पर उस पर थोड़े से विवाद चल रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है विवादों के बाद में अभी नेशनली कोई रिकॉग्निशन नहीं है ऐसा हमने घोषित किया है पर कई लोगों ने विवाद खड़े किए हैं कि इतना बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर बाघों की परियोजनाओं को किया जा सके ये है वो है तो इन पर बातें जरूर चल रही हैं पर भविष्य में देखो हो सकता है कि चीजें हो जाएं है ना तो अभी इसीलिए हमने रामगढ़ विषधारी को चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में यहां नहीं बताया क्योंकि नेशनल लेवल पर कुछ विवाद है पर जब तक विवाद सॉल्व नहीं होते हैं एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप चार ही लिखिएगा चलिए तो वन्य जीवों को देखो काफी महत्व है वन्य जीव जितना हम पर निर्भर है हम भी उन पर बहुत निर्भर करते हैं जैसे कि मानव समाज के अंदर वन्य जीवों की प्रथाएं बहुत पुरानी हैं जैसे कि देख सकते हो राजस्थान में अगर चेतक नहीं होता तो शायद महाराणा प्रताप की गाथा इतनी शौर्यवान नहीं होती क्योंकि तो चेतक का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है पूरे महाराणा प्रताप जी की गाथा में तो ऐसे ही हमारे काफी अच्छे संबंध रहे हैं वन्य जीवों के साथ में जैसे कि कुत्ते को सबसे ज्यादा वफादार माना जाता है तो अपने आप ही एक नेचुरल रिलेशन हो जाता है और इसीलिए वन्य जीव हमेशा से मनुष्यों के अच्छे साथी भी रहे हैं और कई तरीके से समाज को इन्होंने लाभ भी दिया है इवन वन्य जीवों के कई उत्पाद है जैसे कि खाल सींग हाथी हाथीदात पंख ये भी हमें देते हैं और इनसे काफी आर्थिक लाभ भी होता है पर ये सब चीजें बैन कर दी गई हैं खासकर सींग खाल और हाथीदात जैसी चीजें पर फिर भी कई लोग इनकी तस्करियां वगैरह करते रहते हैं हमने राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण ऐसी कई चीजें बनाई हैं जिससे कई लोगों को रोजगार मिलता है जैसे कि चिड़ियाघर बना दिया तो काफी लोगों को रोजगार मिलेगा वन्य जीव में पूरा का पूरा आपकी जो अभी एग्जाम हुआ था ए का ए के अंदर जितने भी अधिकारी होंगे उन सबको जॉब मिल रही है वन्य जीव संरक्षण की वजह से इससे वन्य जीवों की भी सुरक्षा हो रही है और हमारी भी रक्षा हो रही है दोनों ही चीजें हो रही है इवन हमारे जो वन्य जीव होते हैं उनके जीवन की वजह से ही कई अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वह उत्कृष्ट खाद में बदल जाते हैं तो वन्य जीवों के अपशिष्ट से जो भी मलमूत्र होते हैं वन्य जीवों के वो जमीन को उपजाऊ खाद के रूप में काम में आते हैं और जमीन की उर्वरक शक्ति को भी वन्य जीव बढ़ा देते हैं इसी तरीके से कई वैज्ञानिक शोध और अनुसंधानों के लिए भी इनका प्रयोग होता है क्योंकि तो वन्य जीवों की जो संरचना है वह हमसे मिलती जुलती है खासकर आपने देखा होगा कि मेडक पर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं तो हमें हमारे जीवन के बारे में जानने के लिए भी वन्य जीव काफी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और प्राकृतिक संतुलन को इनसे ही बनाया जा सकता है अगर हम सोचे कि वन्य जीव पूरे खत्म हो जाए पृथ्वी पर तो देखो जूनोटिक डिजीज आएंगी यहां पर आपने देखा होगा कि कोरोना जो है वह एक प्रकार का जूनोटिक रोग है जूनोटिक डिजीज या जूनोटिक रोग क्या होता है ऐसे रोग जो कि जंतुओं के अंदर होते हैं और फिर मनुष्यों को फैलते हैं जंतु और मनुष्य के संपर्क से फैलते हैं उनको जोनोटिक डिजीज कहते हैं हमने क्या किया काफी सारे जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया पेड़ों को नष्ट कर दिया जीव जंतुओं के आवासों को नष्ट कर दिया मानव ने तो कई प्रकार के बैक्टीरिया जीव जंतुओं में पनप गए अनुकूलन के स्वभाव के अनुरूप और वही जब सी फूड के माध्यम से या फिर जंतुओं के संपर्क के माध्यम से फैलते हैं तो उन्हें जूनोटिक डिजीज कहते हैं जैसे कि कोरोना वायरस भी एक प्रकार की जूनोटिक डिजीज है और कोरोना ने क्या हालत खराब की है मानव की वो तो आपको पता ही होगा ऐसे ही स्वाइन फ्लू हो गया ऐसे ही आपके अफ्रीकन स्वाइन फीवर चला था ऐसे कई प्रकार के जो रोग होते हैं वो फैलते हैं तो इसीलिए प्राकृतिक संतुलन अगर हमें बनाए रखना है तो जीव जंतुओं का संरक्षण आवश्यक है अगर इनको नष्ट कर दिया गया तो कई भीषण रोग आ जाएंगे तो ये सारी चीजें हो सकती हैं तो इसीलिए दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है ना तो जीव जंतु हम पर निर्भर है ना हम उन पर निर्भर है दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो जंगलों की अगर सघनता होगी अगर जंगल ज्यादा से ज्यादा होंगे तो वन्य जीवों की भी बहुसंख्या होगी जैव विविधता होगी और यही जैव विविधता सघन वर्षा को आकर्षित करेगी और पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा अगर हम चाहते हैं कि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे जलवायु परिवर्तन ना हो तो उसके लिए जैव विविधता और वन्य जीवों के साथ साथ पेड़ पौधों की भी रक्षा हमें करनी पड़ेगी अगर ये सब हम कर पाते हैं तो ही जीवन सुलभ हो पाएगा अदरवाइज नहीं हो पाएगा तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है तो चलिए बच्चों बात करते हैं राजस्थान के द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण में किए गए कुछ महत्वपूर्ण चीजों की हम्म हाँ राहुल राहुल कह रहे कि सत्ताईस अक्टूबर को है एग्जाम चलो अच्छी बात है तुम्हारा एग्जाम सत्ताईस अक्टूबर को तो है ये डेट किसने निकाली इवन आरपीएससी ने भी निकाली है तो बदलेगी है ना चलो कोई बात नहीं अच्छी बात है पढ़ाई करो पर इतिहास गवाह है कि अक्टूबर में दस अक्टूबर के अंदर आपका यूपीएससी का एग्जाम है और यूपीएससी और आरपीएससी के एग्जाम में मिनिमम एक मंथ का गैप रहता है तो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन सत्ताईस अक्टूबर को कभी एग्जाम नहीं हो सकता है किसी हालत में नहीं हो सकता है बट फिर भी आप लोगों को पढ़ना है आप लोगों को मेहनत करनी है तो तैयारी ऐसी ही करो जो कि सत्ताईस अक्टूबर के हिसाब से हो ठीक है तो बिल्कुल आप तैयारी करने में कोई कसर मत छोड़ो पर प्रैक्टिकलिटी कुछ और कहती है चलिए तो बच्चों बात करते हैं क्या क्या संरक्षण के प्रयास हुए आप सभी को पता है कि देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से और काफी सारे पशु जनसंख्या यहां पर निर्भर भी करते हैं तो प्रदेश का लगभग 9.59 परसेंट भूभाग पर ही वन है और पूर्ण वन आच्छादित क्षेत्र जहां पर पूरे पूरे वन है वो तो मात्र फोर पॉइंट सेवन थ्री परसेंट ही है और खासकर हमारा जो राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है राष्ट्रीय वन नीति ये कहती है कि कम से कम प्रतिशत भूभाग पर अगर वन होते हैं तो वह अच्छा है जबकि राजस्थान में ओनली नाइन पॉइंट फाइव नाइन परसेंट भूभाग पर ही वन है और उसमें से भी सघन वन केवल फोर पॉइंट सेवन थ्री एरिया पर ही है तो ये जब संभावनाएं जब हो रही हैं तो काफी प्रॉब्लम होगी हमें चीजों को संभालने में क्योंकि हमारे यहाँ पर प्राकृतिक विषमताएं काफी ज्यादा हैं। 61 वन भूभाग पर मरुस्थल है लगभग दो तिहाई भाग पर मरु प्रदेश है शुष्क जलवायु है बरसात बहुत कम होती है वन क्षेत्र बहुत कम है और जैविक दबाव बहुत ज्यादा है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने कुछ काम किए जैसे कि राजस्थान सरकार ने उदयपुर के उदयपुर के गुलाब बाग में कहां पर उदयपुर के गुलाब बाग में एक इंटरनेशनल बर्ड पार्क की स्थापना की जाएगी हम एक इंटरनेशनल बर्ड पार्क बना रहे हैं कहां पर उदयपुर के गुलाब बाग में और जहां पर एक दो नहीं ग्यारह ग्यारह पक्षीघर बनाए जाएंगे पक्षियों को यहां संरक्षित रखा जाएगा इवन यहां पर इस इंटरनेशनल बर्ड पार्क के लिए कंसल्टेंसी कंपनी जो है मैं आपके मै ग्रीन प्रोग इंडिया इसने भी तैयार कर लिया है और योजना योजना पर काम हो गया तो आपको सिर्फ में याद रखना है कि इंटरनेशनल बर्ड पार्क कहां बनेगा गुलाब बाग उदयपुर के अंदर ऐसे ही हमारे राजस्थान में तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लिपर्ड भी चल रहा है प्रोजेक्ट लियोपार्ड जो है वह देश भर में लागू है और यह है काफी क्षेत्रों के अंदर चालू है खासकर बाघ संरक्षण के प्रोजेक्ट टाइगर के बाद में इसे ही लागू किया गया था और राजस्थान के अंदर आठ अभ्यारणों में और संरक्षित क्षेत्रों में कितने में आठ में इसे लागू किया गया है प्रोजेक्ट लिपट जो कि तेंदुओं की ते संरक्षण करेगा और 2017-18 के बजट में इसकी घोषणा हुई कौन कौन से आठ वन्य जीव अभ्यारण्य जहां पर इसे संरक्षित किया जा रहा है आपके उदयपुर जयमादी वन्य जीव अभ्यारण बस्ती चित्तौड़गढ़ शेरगढ़ अभ्यारण बारा कुशलगढ़ रावली टोडगढ़ अभ्यारण माउंट आबू अभ्यारण सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व झालाना कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर जवाई कंजर्वेशन रिजर्व पाली खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू तो इस तरीके से आठ वन्यजीव जीव अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पर प्रोजेक्ट लिपाड़ चल रहा है और अभी राजस्थान में टोटल चार बच्चों 434 तेंदुए यहां देखे गए हैं तो ये सारी चीजें भी की गई है क्वेश्चन बनता है कि प्रदेश का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है और अभी अभी आपको बताया था बायोलॉजिकल पार्क क्या है एक्स टू कंजर्वेशन है पर स्थानीय संरक्षण में गिना जाएगा तो प्रदेश का पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वह 12 अप्रैल 2015 को उदयपुर के अंदर ही बनाया गया ठीक है और इसका नाम है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ठीक है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और इसके साथ साथ ही उदयपुर में भागदड़ा वन क्षेत्र में नेचर पार्क भी विकसित किया जाएगा एक प्राकृतिक नेचर पार्क तो ध्यान रखिएगा पहला बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंदर कब कई बार पूछा गया है इसके बारे में प्रिलिम्स में इसी तरीके से मछिया बायोलॉजिकल पार्क भी है जो कि जोधपुर में है मछिया बायोलॉजिकल पार्क जनवरी 2016 के अंदर जोधपुर में बनाया गया ऐसे ही जयपुर के नाहरगढ़ में बायोलॉजिकल पार्क बना जो कि जून 2016 के अंदर बनाया गया है तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर मछिया जोधपुर और नाहरगढ़ जयपुर ऐसे ही कोटा में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क भी बन रहा है ऐसे ही बीकानेर के अंदर स्थित है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बनाया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा टोटल पांच बायोलॉजिकल पार्क में से दो अभी बन रहे हैं अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा और मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर तो यह काम भी हमारे राजस्थान सरकार कर रही है इसी तरीके से अजमेर को अजमेर को राज्य का दूसरा नगर वन उद्यान मिला सत्... 22 जून 2017 को और यहीं पर पुष्कर में हर्बल गार्डन जैसे कि जो वनस्पतियां होती हैं जिनके काफी अच्छे अच्छे प्रयोग हैं तो ऐसी वनस्पतियां जो कि हर्बल वनस्पतियां होंगी वो यहां पर पुष्कर के हर्बल गार्डन में आपको देखने को मिलेंगी इसी तरीके से राष्ट्रीय मरु उद्यान तो सभी को पता ही है कहां पर है राष्ट्रीय मरु उद्यान है हमारा जैसलमेर जो कि सबसे बड़े मरु उद्यानों में देश के गिना जाता है और जो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि जो गोडावन पक्षी है जो कि राज्य पक्षी है हमारा यह आयु की लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त था मरने की कगार पर था इसीलिए इसके संरक्षण के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय मरु उद्यान में ही गोडावन के प्रजनन के लिए गोडावन हैचिंग सेंटर बनाए गए हैं इसके अलावा सोरसेन 12 में सोरसेन 12 में भी गोडावन का ब्रीडिंग सेंटर स्थापित हो गया है तो गोडावन का ब्रीडिंग सेंटर कहां पर है सोरसेन 12 में ठीक है यहां पर आपके गोडावन का ब्रीडिंग सेंटर है सोरसेन 12 के अंदर और हैचिंग सेंटर है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर तो इट शुड बी रिमेंबर इसी तरीके से पूछा जाता है कि आपसे जो आलसी भालू होता है स्लोथ बियर स्लोथ बियर का वन्यजीव अभ्यारण कहाँ है तो स्लोथ बियर सेंचुरी है हमारे धौलपुर में वन विहार अभ्यारण तो धौलपुर का जो वन विहार अभ्यारण है वह स्लोथ बियर यानी कि एक आलसी ब्लैक कलर का भालू होता है उसके संरक्षण के लिए फेमस है तो स्लोथ बियर सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा वन विहार अभ्यारण्य जो कि धौलपुर में है इसी तरीके से एक टाइगर सफारी जहां पर आप टाइगर को देखने के लिए आराम से जा सकते हो ये कहां पर है रणथंबोर में तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व के अंदर बफर क्षेत्र के अंदर आमली वनखंड है जहां पर अगर आपको जाना हो तो जिप्सी वगैरह लेकर आराम से टाइगर सफारी की यात्रा आप कर सकते हो इसी तरीके से जयपुर पुष्कर बाईपास पर भी बीस हेक्टेयर का हर्बल गार्डन बनाया जा रहा है और इसी तरीके से एक स्मृति वन बन रहा है नौलखा झालावाड़ में आपके नौलखा वन खंड है वहां पर एक स्मृति वन भी झालावाड़ में बन रहा है तो ध्यान रखेगा दोस्तों राजस्थान में राजस्थान वन संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया राजस्थान वन संशोधन अधिनियम लागू किया गया चार मार्च दो को तो चार मार्च दो को राजस्थान में वन संशोधन अधिनियम लागू हो जाता है तो यह डेट याद रखेंगे कि राजस्थान में वन संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ तो राजस्थान में वन संशोधन अधिनियम 4 मार्च 2014 को लागू हुआ एवं ऊंट मोर और गोडावन इन तीनों को ही नेशनल हेरिटेज यानी कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है किस किस को ऊंट मोर और गोडावन तीनों को ही राष्ट्र आपका राज्य धरोहर घोषित कर दिया गया इसी तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन आया था कि कहां पर राजस्थान में बटरफ्लाई वैली प्रोजेक्ट चल रहा है तो हमारा स्मृति वन है जो कि पत्रिका समूह के चीफ रह चुके हैं आपके कपूर चंद्र कुलिश तो कपूर चंद्र कुलिश जी का जो ये स्मृति वन है जयपुर में जेएलएन मार्ग पर उससे वहीं पर प्रोजेक्ट बटरफ्लाई वैली यानी कि यहां पर आपको कई प्रकार की जो बटरफ्लाईज हैं वो संरक्षित रूप में देखने को मिलेंगी तो इसे राज्य सरकार ने 2013-14 में चालू किया था इसी तरीके से आगरा रोड जयपुर में सिल्वन पार्क जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो सिल्वन पार्क है वो भी विकसित हो रहा है तो ये सारी चीजें भी की जा रही है और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर आपने एक योजना का नाम जरूर सुना होगा जो कि है वन धन योजना यानी कि वन से हमें काफी आर्थिक लाभ भी हो सकते इससे काफी उत्पाद हमें मिलते हैं जैसे कि गोंद मिलता है और भी बहुत सारे वन उत्पाद हनी मिलता है ऐसे कई उत्पाद हमें मिलते हैं तो वन क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे हैं जो इस क्षेत्र में रहते हैं आदिवासी वगैरह उन सभी लोगों के विकास जो है इन वनों पर ही निर्भर करते हैं यहीं से उनको रोजगार मिलता है और इनकी संरक्षण के लिए ही वंधन योजना चालू की गई जो कि 2015-16 में प्रधानमंत्री वंधन योजना के नाम से चालू होती है तो ये जो प्रधानमंत्री वंधन योजना है राजस्थान में कहां लागू है रणथंबोर टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय मरुद्यान पार्क जैसलमेर में और माउंट आबू कुंभलगढ़ वन्यजीव जीव में एवं जो जवाई कंजर्वेशन रिजर्व है यहां पर तो जो प्रोजेक्ट वन धन योजना है यह इन सभी क्षेत्रों में लागू है तो ध्यान रखिएगा रणथंबोर टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर माउंट आबू कुंभलगढ़ और जवाई कंजर्वेशन रिजर्व में यह लागू है तो इट शुड बी रिमेंबर और इसी तरीके से ऊंट को हमारा राजकीय पशु कब घोषित किया गया 30 जून 2014 को और ध्यान रखिएगा दो राजकीय पशु हैं हमारे पास एक तो चिंकारा और ऊंट शुरू में बताया था तो चिंकार जो है हमारा वह वन्य जीव श्रेणी में है किसमें है वन्य जीव श्रेणी के अंदर है और ऊंट जो है वो पशुधन श्रेणी में है एक तरीके से पशुधन या पालतू जो जानवर होते हैं उनकी श्रेणी में ऊंट है तो ऊंट क्या है आपके पशुधन श्रेणी का राजकीय पशु है और चिंकारा जो है वो जंगली यानी कि वन्य जीव श्रेणी का राष्ट्रीय पशु है तो ये सब चीजें डिसाइड हुई इसी तरीके से राजस्थान में ऊंटों को मारने जैसे कि कई लोग क्या करते हैं ऊंटों के मांस वगैरह खाते हैं उन सब चीजों के लिए राजस्थान उष्ट्रवंशीय पशु वध एवं प्रतिषेध और अस्थायी प्रजनन और निर्यात विनियमन अधिनियम 2014 को लागू किया गया क्योंकि तो ऊंटों की तस्करी होती है ऊंटों को आतंकवादी ट्रेन करते क्योंकि ऊंट एक ऐसा जानवर है ना जो कि थार के अंदर रेगिस्तान में आसान से रह सकता है क्योंकि ऊँट की शरीर की संरचना ऐसी होती है जैसे कि पैर गद्दीदार हो गए मलमूत्र इसके बहुत गाढ़े होते हैं इसके शरीर पर चर्बी होती है पानी ना मिलने पर भी खाना ना मिलने पर भी इसके कुबड़ होती है जिसका ये यूज कर सकता है इस इसका जो पानी की थैली होती है उससे पानी यूज कर सकता है बार बार जुगाली कर कर तो ये सारी चीजें हमारे ऊँट पे अंदर होती हैं तो इसीलिए आतंकवादी वगैरह ऊंट को यूज करते हैं एज ए ट्रेनिंग परपज के लिए ये आसानी से ट्रेन कर दिए जाते हैं इनकी तस्करी होती है तस्कर ग्रुप इनको हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज करते हैं तो वो सब चीजें ना हो इसीलिए इनका वध भी ना हो और इनकी तस्करी में प्रयोग भी ना हो इसीलिए यह अधिनियम राष्ट्रीय उष्ठ पशु अधिनियम 2014 को लागू किया गया तो ये काम भी किए गए इसी तरीके से गोडावन जो कि हमारा राज्य पक्षी है इसे संरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट गोडावन या प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी लागू हुआ और कब चालू हुआ ये पांच जून दो को तो गोडावन जो कि आयुसीएन की लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उसे प्रोजेक्ट गोडावन के तहत 5 जून 2013 को, तो को लागू किया कहां, कहां पर जैसलमेर के राष्ट्रीय मनो ध्यान के अंदर लॉन्च हुआ और ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था है ना तो ये सारी चीजें हैं बाकी हमारे पास एक और पक्षियों के लिए सेंचुरी बनाई गई है दूसरी बर्ड सेंचुरी कहां पर है हनुमानगढ़ जो कि पीली बंगा सभ्यता से संबंधित है बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ में दूसरी बर्ड सेंचुरी भी बनाई गई है तो ये सारी चीजें हमारे राजस्थान में की जा रही हैं ठीक है तो इट शुड बी रिमेंबर क्या कह रहे हो बच्चों पीडीएफ कहां मिलेगी पीडीएफ आपको मिलेगी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको संडे तक सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी ठीक है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो अब बच्चों इतने सारे काम हैं वन्य संरक्षण के तो आखिर इनको देखता कौन है जैसे कि आपकी कोई कलेक्टर ऑफिस होता है वहां पर प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं वैसे ही वन्य संरक्षण को करने से संबंधित काम होते हैं हमारे जयपुर के अरण्य भवन में अरण्य एक पर्यायवाची है जंगल का तो अरण्य भवन है हमारे जयपुर के अंदर तो वन विभाग झालाना में स्थित है नया ये अरण्य भवन जो कि 23 मार्च 2015 को इसका उद्घाटन हो काफी अच्छी बिल्डिंग है कभी मौका मिले तो देख के आना तो ये सारी चीजें अरण्य भवन में की जाती है तो इट शुड बी रिमेम्बर और खासकर यहाँ पर ही जवाई बांध तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में भी अभी-अभी डेवलप किया गया है तो ये सारी चीजें भी हुई हैं और खासकर यहां पर जैसलमेर में तो आपको पता ही है कि खासकर सोरसेन बारह और जैसलमेर में गोडावन के प्रजनन के प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसमें सोरसेन बारह को काफी सफलताएं भी मिली हैं ऐसे ही गोडावन जो है वह गोडावन के प्रजनन का जो मुख्य केंद्र है वह गुजरात के मांडवी के अंदर भी होगा क्योंकि गोडावन जो होते हैं ना वो काफी जगह मिलते हैं जैसे कि राजस्थान में तो मिलता ही मिलता है इसके अलावा गुजरात महाराष्ट्र इवन कर्नाटका के भी कुछ क्षेत्रों में गोडावन मिलते हैं पर बहुतायत में मैक्सिमम जो गोडावन मिलते हैं वो गुजरात और राजस्थान के आसपास मिलते हैं पर महाराष्ट्र सरकार ने भी गोडावन के संरक्षण के लिए काफी काम किए हैं इसीलिए जो हमने भी जो मुख्य केंद्र खोला है गोडावन संरक्षण का वो गुजरात मांडवी में है तो ये सारी चीजें हैं तो इट शुड बी रिमेम्बर बच्चों अभी एक अच्छी बात यह है कि हम सभी ने प्रोजेक्ट टाइगर तो चालू कर दिया था पर काफी सालों के अथक प्रयास के बाद पूरे भारतवर्ष में बाघों की संख्या बढ़ गई है और देश में पिछले चार सालों के अंदर बाघों की संख्या तीस दशमलव पांच प्रतिशत बढ़ गई है जहां 2010 में 1706 बाघ हुआ करते थे वो 2226 हो गए 2014 में तो आप कह सकते हो कि दुनिया के 70 प्रतिशत जो टाइगर हैं 70 प्रतिशत जो पूरे दुनिया के बाघ हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर हर चार साल में क्या होती है बाघों की जनगणना की जाती है तो 2015 को हुई और सबसे ज्यादा जो बाघ किस राज्य में है कर्नाटका में कर्नाटका में आपके पूरे देश में सबसे ज्यादा बाघ हैं मोर देन 400 और राजस्थान में भी बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है और अब हमारे राजस्थान में जो बाघ हैं बावन हो चुके हैं तो 52 बाघ राजस्थान में आपको मिलेंगे तो ये आपके जनगणना हुई थी 2015 में चार साल के बाद जनगणना होती है और 2019-20 की जनगणना का जो रिपोर्ट है अभी लेटेस्ट वो अपडेट होना बाकी है क्योंकि कोरोना आ गया और चीजें बदल गई पर ये बहुत जल्दी होगा तो खासकर एशियाटिक लॉयन एशियाई शेयर पांच सौ पूरे भारत में और सबसे ज्यादा जो एशियाई शेयर है गुजरात में है वो भी कहां पर जूनागढ़ के अंदर ना जूनागढ़ में एशियाई शेर काफी हैं और राजस्थान में सत्रह जिले हैं वहां पर आपको कुछ ना कुछ इस तरीके के वन्य जीव वगैरा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो ये सारी चीजें की जा रही हैं इसके अलावा बच्चों थो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट और चल रहे हैं बाकी प्रोजेक्ट टाइगर में मैंने आपको बता ही दिया है कि मेनली तीन जगह प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं मुकुंदरा हिल्स सरिस्का और रणथम्बौर यहां पर आपको प्रोजेक्ट टाइगर देखने को मिलेंगे नाबार्ड ने कुछ क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए परियोजनाएं चलाई तो नाबार्ड जो कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर से संबंधित काम करता है उसी ने सत्रह जिलों में हमारे सत्रह जिलों के अंदर वृक्षारोपण के काम किए गए तो ये सारी चीजें की जा रही हैं और खासकर राजस्थान में वनीकरण को और प्रोत्साहित किया जा रहा है इसी तरीके से वृक्षारोपण से क्या होगा जल ग्रहण क्षेत्र भी विकास होगा और भविष्य में हम कृषि और कई चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे तो ये सारी चीजें तो तीन चरणों में राजस्थान के अंदर नाबार्ड ने यह कार्य किया है तो इट शुड बी रिमेम्बर तो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे आज के लिए इतना ही करते हैं बाकी चीजों को और बाकी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जो कि अभी लेटेस्ट चालू हैं, कई वन्य जीव जिनके बारे में बात करनी है वो हम कल के सेशन में करेंगे और ध्यान रखिएगा कल शाम को आप सभी के लिए एक स्ट्रेटेजी सेशन भी है क्योंकि कई बच्चों के कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर काफी दिन हो गए कोई मोटिवेशनल वीडियो और ये सब चीजें नहीं है तो इसीलिए कल शाम को सात बजे स्ट्रेटजी सेशन भी होगा और सुबह हमारी जो अभी वन्य जीवों पर जो क्लास चल रही है वो एस होगी बाकी आप सभी लोग अगर अन को ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच को ज्वाइन करने के लिए शर्मा टैन रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो शर्मा टैन रेफरल कोड कैपिटल लेटर्स में ही यूज करना बिना किसी स्पीस के और मेरी इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हैं वह है रात को चल रही हैं रात को नौ बजे क्लासेस होती हैं तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना है या ऑलरेडी आप प्लस स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपने ज्वाइन कर लिया होगा जिन्होंने नहीं किया है वो भी रात नौ बजे इकोनॉमिक्स फॉर राजस्थान आर ए एस फिलिम्स को कर सकते हो तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज हैव ए गुड डे हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू